जो यहाँ मुस्लिम है वो क्या इराक, अमीरात, दुबई से आए, अरब से आए क्या? नहीं आए, वो यहीं के हैं। धर्म और अधर्म के रास्ते थे ना, तो धर्म और अधर्म की लड़ाई होती है हमेशा, मत संप्रदाय पंथ की लड़ाई नहीं होती। आज मेरे बहुत सारे मुस्लिम मित्र हैं, जो भी आदमी धर्म के रास्ते पर चलेगा तो उसको अधर्मी दबाने का प्रयास करेगा, उसके दमन का प्रयास करेगा, तो उस प्रयासों के हम शिकार रहे। प्रथम तो जैसे आपने बताया कि संघर्ष रहा जीवन में, तो ये जब हम कोई धर्म कार्य में लगते हैं, राष्ट्र कार्य में लगते हैं, तो अधर्मी जो होते हैं ना वो आपके विरोध में होते हैं हमेशा। जब भी आप कोई धर्म कार्य करेंगे तो आप अधर्मियों के टारगेट में रहेंगे, और अधर्मी जब सत्ता में होता है, ताकत में होता है, तो वो उसका दुरुपयोग करता है। जो भी आदमी धर्म के रास्ते पर चलेगा तो उसको अधर्मी दबाने का प्रयास करेगा, उसके दमन का प्रयास करेगा, तो उस प्रयासों के हम शिकार रहे। उस जो उन्होंने हमें दबाने का, हमारे दमन का जो प्रयास करा, उसके शिकार रहे हैं। तो जो आपने बताया 20 साल का संघर्ष है, जो भी रहा है, तो उन्हीं कारणों से रहा है। पर इन चीज़ों से मन में कोई टुटाव नहीं है, कोई दूर किसी प्रकार का कोई नफरत या वो इस प्रकार का भाव नहीं है, पर ऐसा एक मन में विश्वास है कि हमेशा की तरह कि जब भी हम धर्म कार्य करेंगे तो हमें अड़चनें आती रहेंगी, और सहज रूप से हम उनका सामना करेंगे। ये बोलना भी शायद थोड़ी अतिशोक्ति है कि हम करेंगे, ईश्वर हमें ताकत देगा और हम उससे पार आके निकलेंगे, और हम निकले भी हैं। प्रयास कई किए गए दबाने के, कुचलने के, लेकिन ईश्वर ने लाज रखी हमेशा, ईश्वर ने ताकत दी है। तो हमेशा जैसे शुरुआत में थे वैसे आज भी टिके हुए हैं, और हमेशा धर्म कार्य पर, राष्ट्र कार्य के लिए लगे रहेंगे, चलते रहेंगे। इस कई तरह के सर आपके ऊपर आरोप लगे हैं, जैसे नीलम हत्याकांड हो गया है, इसके साथ में और भी समझौता बम ब्लास्ट हो गया, कई तरह के आरोप आप पे लगे हैं सर, क्या कुछ कहना चाहिए? आरोपों का तो ऐसा है कि शायद आपको जानकारी भी नहीं होगी इतने आरोप लगे हैं। मैं भी कुछ तो भूल ही गया होंगे इतने सालों में कि कितने आरोप मुझ पर लगे हैं। आज से नहीं, सन 2000 से सलंग आरोप लग रहे हैं। मैंने बताया ना कि जब राष्ट्र कार्य में आप लगते हो तो विधर्मियों को आपसे दिक्कतें होना शुरू होती हैं, तो वो अपने सत्ता की ताकत बोल लो या उनका जो भी ताकत रही होगी उससे आपको दबाने का प्रयास करते हैं। वो तो वो सब प्रयास थे, उनके षड्यंत्र थे, और षड्यंत्र जो होता है ना, वो जब हम रचते हैं किसी के खिलाफ तो हम उस समय ताकत में होते हैं, उस ताकत के मद में होते हैं, तो हमेशा लगता है कि हमारा षड्यंत्र सफल होगा और हमें कोई हरा नहीं सकता। जो विधर्मी होता ना, उसके दिमाग में ये चीज़ रहती है हमेशा, उसके मन में ये रहती है कि हमें कोई हरा नहीं सकता और हम कुछ भी कर सकते हैं। तो जो उनके मन में ये अहंकार था कि हम कुछ भी कर सकते हैं, किसी को दबा भी सकते हैं, कुचल भी सकते हैं, तो उस सोच को लेकर उन्होंने काम करा था। लेकिन ईश्वर है, और उनका जो अहंकार है वो मिटा, और जितने भी उन्होंने केस लगाए, जो भी केस लगे आज तक के प्रकरण लगे हैं, ईश्वर की कृपा से ईश्वर ने सत्य को न्याय दिलाया है। जो कहते ना कि सत्य परेशान हो सकता पर पराजित नहीं, तो पराजित नहीं हुए कहीं भी, सब जगह जीत मिली है। माननीय न्यायालयों द्वारा हमें सम्मानपूर्वक समय बरी किया गया, तो ये एक बहुत बड़ी जीत है। और उन विधर्मियों के मुँह पर एक तमाचा है ये, जिन्होंने एक निर्दोष, मैं ही नहीं, मेरे साथ और भी कई साथी रहे मेरे, जिनको निर्दोष थे, सभी निर्दोष हैं, और उनको झूठा फंसाया केसों में, तो आज आपके सामने है, व्यवस्थित है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इस चीज़ का प्रमाण ही है कि हम सही थे। सर आज गुड़ी पड़वा है और हिंदू नोट्स इसको कहते हैं, सर क्या कुछ कहेंगे युवाओं को, किस तरह का संदेश आप देना चाहेंगे? सर युवाओं को नहीं तो समाज का ही संदेश क्या देना है, तो त्यौहार है अपना, और इससे बड़ा त्यौहार क्या होगा कि जब अपन ये मानते हैं कि नए वर्ष, मतलब पहला दिन, नए वर्ष का पहला दिन, उस दिन जैसा हम जीवन जीते हैं, ऐसा बोलते हैं पुराने, जब हम छोटे छोटे थे तो घरों में दादा दादी बताते थे ना कि बेटा आज नया साल है, आज जल्दी उठना है तो साल भर जल्दी उठोगे, आज जल्दी नहाओगे तो साल भर जल्दी नहाओगे, आज पढ़ाई करोगे तो साल भर अच्छी पढ़ाई करोगे। तो ये बहुत बड़ा दिन होता है, इसको धूमधाम से मनाना चाहिए। अभी वर्तमान में हम अंग्रेजी कैलेंडर के प्रभाव में ज़्यादा हैं, जबकि उसका कोई वैज्ञानिक या कोई सांस्कृतिक कारण नहीं है उसको मनाने का। जहाँ है वो मनाए, कोई दिक्कत नहीं, पर अपने देश में मुझे नहीं लगता कि उसकी आवश्यकता है। हाँ, अपने देश में अपने ही जो परंपराएं हैं, अपने त्यौहार हैं, उनको ही हमें मनाना चाहिए, और उनकी श्रेष्ठता है। हम किसी का वो नहीं कर रहे कि वो ना करें, और जहाँ मनता है, अमेरिका, लंदन, इंग्लैंड वाले मनाए, उनके हिसाब से वो नया साल होगा, लेकिन हमारे हिसाब से ये नया साल है गुड़ी पड़वा, चैत्र नवरात्र जहाँ शुरू होते हैं, इसमें ऋतु बदलती है, मौसम बदलता है हमारे यहाँ का,
नए मौसम आते हैं, और भी कई कारण हैं। जैसे विक्रम संवत शुरू हुआ है, राजा विक्रमादित्य ने संवत शुरू करा था, राजा युधिष्ठिर ने युगाब्द शुरू करा था, आज ही के दिन भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना आज ही के दिन करी है, ऐसे और भी कई कारण हैं। परम अपने सरसंघ चालक जी जो रहे, संघ के संस्थापक परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी का जन्मदिन है, महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना आज ही के दिन करी है, भगवान झूलेलाल जी का जन्म दिवस है, ऐसे इतने महान महान लोगों की तिथियां हैं, तो ईश्वरीय दिन है ये, इसको उसी रूप में हम मनाना चाहिए, अपने घरों को सजाना चाहिए, दीपमालाएँ लगाएं घरों में, दीप जलाएं, रंगोली मनाएं, भगवा पताका फहराएं, इस प्रकार के आयोजन घर में करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए। 9 दिन शक्ति की पूजा के दिन है, आराधना के दिन है, और फिर 9 दिन बाद रामनवमी आती है, भगवान राम जी का जन्म होता है, उस जन्म उत्सव को धूमधाम से मनाएं। और इसी चैत्र की पूर्णिमा में राम जी के परम भक्त हनुमान जी का भी जन्मदिन आता है, तो उस धूमधाम से, इस पूरे महीने को धूमधाम से मनाना चाहिए, पावन महीना है माँ से अपना ये, तो ये मैं सभी से निवेदन करूँगा, ताकि हमारी आने वाली जो पीढ़ी है, आज की हम सामान्यतः देखने में ये आता है कि हमारे घरों के बच्चों को अपने मास का पता ही नहीं कौन सा माह चल रहा है, आज उनसे पूछो कौन सा माह चल रहा है तो यही बताएगा, मार्च अप्रैल मई जून ये बताएगा, वो बता नहीं सकता कि चैत्र चल रहे हैं, कि वैसाख है, कि ज्येष्ठ है, कि आषाढ़ है, सावन है, कि भादव है, अश्विन है, कार्तिक है, मार्गशीर्ष है, पोष है, माघ है, फागुन है, ये सब उसको याद ही नहीं है आज, तो ये एक अच्छा स्वरूप नहीं होता है, अच्छा दृश्य नहीं बनता है इससे। अपने संस्कृति के प्रति आदमी को गौरवान्वित होना चाहिए, गर्व करना चाहिए, और अपने संस्कारों को याद रखना चाहिए, अपनी परंपरा द्वारा सामाजिक समस्या पर भी काम किया जा रहा है, किस तरह से कर रहे हैं आप, क्या विचारधारा उसको लेकर? सामाजिक समरसता को लेकर काम कर रहे हैं, ऐसा बोलना गलत होगा कि कोई, मतलब सहज जीवन जी रहे हैं अपन, हमें एक सहज जीवन जीना चाहिए, उसमें अलग से कोई दिमाग चलाकर काम नहीं करना पड़े, ये अच्छी बात नहीं कि सामाजिक समरसता पे आपको सोच कर विचार कर काम करना पड़ रहा है, तो ये समाज के लिए अच्छा दृश्य नहीं है। समाज में सहजता होना चाहिए, आप जाति का अहंकार पाल के अगर आप जिएंगे तो आप मूर्ख हैं, आप किस बात का अहंकार पाल रहे हैं, आप क्षत्रिय होने का पाल रहे हैं, आप ठाकुर ब्राह्मण होने का पाल रहे हैं, आप वैश्य होने का पाल रहे हैं, शूद्र, किसी भी कोई जात का कोई अहंकार नहीं होता है, हम मानव हैं, और मानव का मानव से प्रेम ये बड़ा मूल मंत्र है, इसके अलावा दूसरा में कुछ नहीं है, सब एक समान है, समरस जीवन होना चाहिए, समरसता होना चाहिए, कोई छुआछूत कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, सब भाई हैं हम, इस प्रकार का जीवन हमें जीना चाहिए। पर मैंने बताया ना कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं सामाजिक जो विधर्मी टाइप के, जो लोग धूर्त लोग जो मतलब भोले वाले लोगों को इन बातों में उलझा के रखना और उनको एक छोटी संकुचित मानसिकता में बांधना, वो लोग ऐसे प्रयास करते हैं अपनी जात अपनी समाज अपने, नहीं तो आप दुनिया देख लो, क्या ब्राह्मण ब्राह्मण से लड़ता नहीं है क्या, कि ब्राह्मण अगर ब्राह्मण से लड़ रहा है तो भाई जब जातिवाद है ब्राह्मणवाद है तो फिर क्यों लड़ रहा है ब्राह्मण ब्राह्मण, क्या ठाकुर ठाकुर से नहीं लड़ रहा है क्या, क्या वैश्य वैश्य से नहीं लड़ता है क्या, जरा जैसे इंच की दीवारों को मकान बनते हैं तो उसको लेकर झगड़े हो जाते हैं, तो फिर वहाँ कहाँ गया जातिवाद आपका, प्रेम जाति प्रेम कहाँ गया, क्या शूद्र शूद्र से नहीं लड़ता है क्या, वाल्मीकि वाल्मीकि से नहीं लड़ता है क्या, है ना, तो हर समाज का व्यक्ति हर आपस में एक जहाँ स्वार्थ आ जाता है ना अपना वहाँ लड़ता है, जहाँ स्वार्थ की पूर्ति हो रही लड़ने से तो वहाँ लड़ लो, जहाँ स्वार्थ की पूर्ति हो रही है एक साथ रहने से तो एक साथ रह लो, एक केवल झूठी बात है, स्वार्थ और कुछ भी नहीं है, एक बात ये होती है। और दूसरा ये होता है कि एक दिमाग में किसी के बिठा देना कि ये छोटा है ये बड़ा है, ये सबसे बुरी बात है, हम इंसान बन के उत्पन्न हुए हैं ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। गर्व करने की जो बातें हैं थी ना, जात नहीं होती कभी, गर्व करने का विषय का इतना है कि हम हिंदू धर्म में पैदा हुए, सनातन संस्कृति में पैदा हुए, ये सबसे पहला, दूसरा हिंदुस्तान में हुए, इस धरती पे हर हिंदू गर्व महसूस करने वाला व्यक्ति जो कहीं भी रह रहा हो, फिर वो अमेरिका में भी रह रहा हो लेकिन हिंदू धर्म में पैदा हुआ ना, तो गर्व करना चाहिए अपना कि मैं हिंदू हूँ, और उससे बड़ा और गर्व करने की बात होती है कि हिंदू हिंदू होने के साथ साथ हिंदुस्तान में पैदा हुए, जहाँ राम हुए कृष्ण पैदा उस धरती पे हम उत्पन्न हुए पैदा हुए, ये गर्व करने का विषय है। बाकी मैं ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ, मैं क्षत्रिय घर में पैदा हुआ, अगर ऐसा होता ना तो वे रैदास पूजाते नहीं, कबीर पूजाते नहीं, ईश्वर ने राम जी ने जब पूरी वन यात्रा करी उनका वनवास काटा तो जब अयोध्या है तो उनसे जब पूछा गया कि आपकी जो रास्ते भर की पूरी यात्रा रही इसमें आपको क्या सबसे अच्छा रहा, आपको क्या याद है सबसे अच्छी चीज़, तो उन्होंने दो ही नाम गिनाए थे बस, निषाद राज का और माता सबरी का, किस तीसरे का तो उन्होंने नाम ही नहीं लिया, और दोनों आज तथाकथित रूप से शुद्ध समाज में
दलित समाज के उसमें आते हैं, वो आदिवासी में आती है माता सबरी, निषाद दलित में आते हैं जिनको तथाकथित रूप से अपन सब कहते हैं। तो भगवान राम जैसे व्यक्ति आदर्श हमारे जो है भगवान राम, अगर वो केवलपुरी यात्रा में ना तो उनने किसी इतने सारे ऋषि मुनियों से मिले, किसी का नाम नहीं लिया, उन्होंने क्या बताया दो। तो जब उन्होंने उस चीज़ का भेदभाव नहीं रखा तो हम कौन, हम तो बहुत छोटे हैं। तो इसलिए समाज में एक रूपता होना चाहिए, समरसता होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। और हमारे शास्त्रों में वर्णन है, कई जगह में कहता भी हूँ ये वाली बात। अभी हमने दो जगह पाद पूजन का कार्यक्रम भी कराया वाल्मीकि समाज के बंधुओं का, कन्या पूजन के साथ साथ उनका भी पाद पूजन किया था हमने, क्योंकि मैं कहता हूँ, मानता भी उस चीज़ को कि जब शास्त्रों में हमारे वर्णन है, भगवान नारायण ने बोला है कि जो मेरा मस्तक है, सिर है, वो ब्राह्मण है, वो मेरे जो बाजू है वो क्षत्रिय है, वो जो मेरा पेट है ये वैश्य है, वो मेरे जो चरण है वो शूद्र है। तो कॉमन सेंस यूज़ करना आदमी को, पूजाते भगवान के चरण ही है। कोई हम माथे पर हाथ रख के तो यूँ करते नहीं भगवान को प्रणाम, ना पेट पे ना बाजू पे, भगवान के पैर ही छुए जाते हैं। तो भगवान ने बहुत सुंदर संकेत शुरुआत में कर दिया कि मेरे पैर ही पूजो, मतलब पूजना किनको है, सिर का सम्मान करना, इनका सबका सम्मान करो, लेकिन पूजो उनको जिनको आज हम शोषित मानते हैं, वंचित मानते हैं, गरीब मानते हैं, वो पूजने योग्य है, वो समाज हमारा पूजने योग्य, उनका सम्मान करना चाहिए। हृदय से हम उन पर कोई एहसान नहीं कर रहे, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है और हमें कृतज्ञता जाहिर करने का अवसर है। हमें कृतज्ञ होना चाहिए उनके प्रति कि वो समाज के प्रति का कितना, मतलब कौन सा काम वो कर रहे हैं, जिसको काम को तुम निकृष्ट मान रहे हो उस काम को कर रहे हैं। से जानना था कि आपकी जो छवि हिंदुवादी नेता को लेकर है और हिंदुवादी छवि है आपकी, तो क्या मुस्लिमों के प्रति आपका कुछ विरोध है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। देखो, हिंदुवादी छवि है तो इसका यह मतलब नहीं कि हम किसी मुसलमान के विरोधी हैं या किसी ईसाई के विरोधी हैं, ये प्रश्न नहीं उठता है इसमें। सामान्यतः कि समझो आप कि मेरे तो छोटी सी बात अगर आप समझोगे तो मेरे तो कई मित्र हैं मुस्लिम, आज कल भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। मूल सबका एक ही है, हिंदू आज जो भारत में रह रहा है ना उसका मूल एक ही है, सब सनातनी है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भारत के हैं ये सब सनातनी हैं, सनातनी। आज जो यहाँ ईसाई रह रहे हैं क्या वो इंग्लैंड से आए हैं क्या? नहीं आए वो इंग्लैंड से। आज जो यहाँ मुस्लिम हैं वो क्या इराक, अमीरात, दुबई से आए, अरब से आए क्या? नहीं आए वो यहीं के हैं। कुल मिलाकर मैंने क्या बताया कि मत पंथ संप्रदाय को लेकर हम बढ़ गए, ये सब सनातनी, यहाँ का मुसलमान भी सनातनी है, लेकिन समय परिस्थिति देश काल जो भी रहा, जो भी कारण रहे, इच्छा से अनिच्छा से अपने अपने पंथ सबके बदलते गए। तो पंथ और संप्रदाय बदलने से हमारी संस्कृति नहीं बदल जाती। आज भी कई मुस्लिम परिवारों में देखोगे आप तो गोवर्धन पूजा होती है ग्रामीण क्षेत्रों में, कई मुसलमान मुस्लिम परिवारों में करते हैं। तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको वो चीज़ें भी याद हैं, उनका जो पूर्वज थे वो याद है, अभी जो भूलते गए वहाँ छूटता गया। और रही बात विवादों की या लड़ाई है, विवादों की हिंदू मुस्लिम राइट होते हैं, दंगा होता कहीं, तो वो झगड़े तो सामान्य बातें हैं, किसी का किसी से होता है। हिंदू हिंदू आपस में नहीं लड़ते क्या? मुसलमान मुसलमान आपस में नहीं लड़ते क्या? तो वो विषय नहीं कि अपन हिंदूवादी हैं। हिंदूवादी का मतलब ये होता है कि हिंदू, मैंने क्या बताया कि हमारी जो संस्कृति है, अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ बोलना अपने मुँह से कोई, उसमें भी मैं मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं अपने मुँह से श्रेष्ठ बोलूँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी जिनको हम सामने रखते हैं तो उससे दिखता है कि हम वास्तव में श्रेष्ठ हैं। इसका ही होता है, देखा आप हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुदेव कुटुंबकम, मतलब ये तेरा है, ये मेरा है, ये अपना है, पराया है। ये गणना जो होती है ना छोटे लोगों के मन की, छोटे मन होते हैं जिनके, वो ऐसी बातें करते हैं, लेकिन जिनके उदार चरित्र, जिनके हृदय बड़े विशाल होते हैं ना, वो कभी ऐसी बातें नहीं करते। उनके लिए पूरा धरती, पूरा विश्व मेरा परिवार है। तो हम उस संस्कृति के मानने वाले हैं, तो हम किसी को ही कैसे बोल सकते हैं कि ये खराब है या अच्छा है? अब बातें होती है, एक परिवार में भी दो लोग हैं, दो भाई हैं, तो वो अलग अलग रास्ते जा रहे हैं, एक धर्म पे, अधर्म पे। महाभारत में तो दुर्योधन था एक रास्ते पे, एक रास्ते पे अपने युधिष्ठिर थे, तो दो धर्म और अधर्म के रास्ते थे ना। तो धर्म और अधर्म की लड़ाई होती है हमेशा, मत संप्रदाय पंथ की लड़ाई नहीं होती। आज मेरे बहुत सारे मुस्लिम मित्र हैं, अभी भी मैं राष्ट्रीय आप कार्यक्रम में थे, मैं मुस्लिमों का कार्यक्रम था उसमें मैं गया था, कार्यक्रम हो गया, उन्होंने बहुत अच्छी शुरुआत करी, भागवत कथा का आयोजन करा मुस्लिम परिवार के द्वारा। तो एक मुस्लिम परिवार भागवत कथा का आयोजन कर रहा है और हिंदूवादी नेता उसमें जा रहा है, तो ये दर्शाता है कि ऐसी कोई भावना अपने मन में नहीं है। तो ये थे हमारे साथ पंडित लोकेश शर्मा जी, जिन्होंने इनके ऊपर कई तरह के आरोप लगे, उनको निराधार बताते हुए हिंदू मुस्लिम में एकता को बरकरार रखा।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।